आने वाले समय में देश में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव भी इसी साल होंगे, लेकिन उससे पहले राज्यसभा चुनावों को संपन्न कर लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल कि आखिर राज्यसभा सांसदों को कैसे चुना जाता है, और अगर राज्यसभा सांसदों को जनता वोट नहीं देती तो आखिर वोट कौन देता है? तो आज हम आपको इसी तथ्य के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, इसके सांसद सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन माना जाता है, इसके सदस्यों को जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायकों के द्वारा चुना जाता है। अभी राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, 27 फरवरी की तारीख भी तय हो चुकी है। इस दिन 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे। इनको लेकर काफी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। बता दें कि कुछ राज्यों में इन चुनावों को लेकर रस्साकशी है और कुछ राज्यों में नहीं भी है। पार्टियों ने उम्मीदवार भी अपने अपने तय कर दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीट पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में एक और सदन की जरूरत महसूस की गई थी। ऐसे में 23 अगस्त 1954, यानी तारीख याद रखिएगा, 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा के गठन का ऐलान कर दिया गया था। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होगी, ये संविधान में तय किया गया है। 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये 12 सदस्य खेल, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। बाकी के 238 राज्यसभा सांसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। बता दें कि संविधान की अनुसूची 4 के मुताबिक किसी राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के आधार पर तय किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, इसी तरह ये पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 राज्यसभा सीटें हैं। वहीं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में केवल 1-1 राज्यसभा सीटें हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 233 ही हो सकी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है, यानी वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए हिस्सा लेते हैं, विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राज्यसभा चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव कोई गुप्त मतदान नहीं होता और ना इसमें ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। यहां पर उम्मीदवार के नाम के आगे से 1-4 लिखा होता है, यानी 1 से लेकर 4 का एक नंबर लिखा होता है। विधायकों को वरीयता के आधार पर उस पर निशान लगाना होता है। राज्यसभा सांसद का चुनाव एक फॉर्मूले के तहत होता है, इसमें एक सांसद को कितने वोटों की जरूरत है ये पहले से ही तय होता है। दरअसल इसमें एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और इसे राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में 1 जोड़कर भाग दिया जाता है। जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ने के बाद वो एक राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए वोट की संख्या होती है। तो इस तरीके से कराए जाते हैं राज्यसभा सांसद के चुनाव। आपको ये प्रक्रिया और जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।